राणा आफ्ताब साहब किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट होते थे और बीबी के राइट हैंड होते थे, तो फाइनली ही केम टू द राइट स्पॉट पीटीआई में। और असद भाई का तारुफ ये है कि बेसिकली ही इज़ द वन हु रैन ऑल द कैंपेन फॉर हिज फादर फॉर डॉक्टर निसार टू बीट राणा सनाउल्लाह, और राणा सनाउल्लाह को हराने में ही इज़ द वन जिसने लीडिंग रोल प्ले किया है। That's his biggest achievement so far, mashallah. Okay, I was in London for 4 years to study my law course. और उसके बाद फिर bar course मैंने start कर दिया, then I started my LLM इस तरह वगैरह ये। During that time I was at Suez University, which is sort of a liberal institute, which everybody knows. तो वहाँ पे मैंने I contested the election for the SU, first for the Pakistan Society, then the SU. तो वो अल्लाह का शुक्र था आई गॉट इलेक्टेड और वो सारा कुछ। तो आई वाज यू नो आई स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ इनवाइटिंग यू नो ऑल द सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीपल टू आवर कॉन्फ्रेंसेस देयर। तो बड़ा एक क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, देन स्टूडेंट यूनियन का हमने काम शुरू कर दिया टू फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन इन पाकिस्तान, विच इज़ अगेन अ वेरी पर्टिनेंट इशू। हुआ यह कि फिर मैंने एक खैर जस्ट टू शेयर द स्टोरी इनवाइट किया एक रजा रूमी साहब को एंड गुल बुखारी वाज देयर, और तो तीन चार बड़ा वो एक एंटी जिसको एस्टैब्लिशमेंट फिर स्टेट भी बन जाता है वो right. तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैंने तो वहाँ पे एक बंदा उठ के आया उस सारे कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसने मुझे आया उसने कहा कि आपको पता है कि आपको मैं कौन हूँ, मैं आई एम फ्रॉम दी हाई कमीशन एंड आई एम दी मिलिट्री अटैचे। I get it. Khair ji, after a couple of years, I didn't miss Babe, obviously everything. After a couple of years, I met him in Pakistan. I never knew he was that same guy. और मैं उसके साथ एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ ऐसे साथ मेरे वो बैठे हुए, तो मैंने उसने कहा कि आप क्या करते थे, मैंने कहा जी मैं वकील हूँ इस तरह का काम करता हूँ। उन्होंने कहा आप किधर से पढ़े हैं, मैंने कहा मैं लंदन से पढ़ा हूँ, तो उन्होंने कहा आप सुभाष यूनिवर्सिटी में भी होते थे, मैंने कहा जहाँ वो एक मिलिट्री अटैची था वो मैं ही था। अच्छा तो वो जो बातें आपने वहाँ पे की हुई हैं ना वो मैंने यहाँ तक सुनी हुई हैं, तो दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। और आपके हमने बड़ी चीज़ें, मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ, बड़ा देखा है, हम लोग ऑब्वियसली जस्ट स्टार्टेड वेरी शॉर्टली, लेकिन इस सारे टाइम में ना आफ्टर स्पेसिफिकली आफ्टर 20 अगस्त 2022 हमने वो मैंने क्योंकि आई वॉज वेरी यंग बिफोर दैट, फिर नाइन्थ में आ गया और आई माई बर्थडे इज ऑन नाइन्थ में, तो हम तो अपने केक काटने के प्लान में थे तो वो और किस्म का केक कट गया। खैर जी वो उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने कोई पर्चे कर दिए काफ़ी सारे जो कि मुझे चाकू पर भी थे। हाँ जी वो बेसिकली ये था कि मैं आई वॉज विद डॉक्टर साहब डॉक्टर निसार साहब और हम लोग उस जगह पे नहीं गए जिसकी सारी लड़ाई थी, ठीक हम लोग गए एक जगह पे जहाँ पे बड़ा मतलब हम लोग अपने हल्के में उन्होंने हमारे पर्चे किए simultaneously तीन तीन चार चार शहरों में थानों में मुख्तलिफ ये फिर आई हैड टू यू नो एस्केप दैट प्लेस एंड स्टे आउट ऑफ माई होम फॉर अराउंड 3 months 4 months में घर नहीं आ सका, फिर लाहौर वाली जगह पे हाइड एंड सीक चलता रहा ये वो। एट द एंड ऑफ द डे 2024 वाला इलेक्शन अनाउंस हो गया दिसंबर में, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द इंटायर सिटी ऑफ फैसलाबाद जिसने पीटीआई कैंपेन शुरू की। और उसके बाद होता ये था कि हमारे कैंडिडेट्स को सर वो आने नहीं देते ऑब्वियसली, तो मैंने पहले तो ऑब्वियसली मैंने हाइड आउट्स रखे हुए थे भाई के पास आके इस तरह, फिर हम लोग घूमते फिरते रहते थे, फिर हम लोग आके ना ब्लेटेंटली हमने शुरू कर दिया, हमने कहा ये नहीं हम इस तरह नहीं होगा। 1st of January दैट वाज द डे, मेरे वालिद साहब 11 January को वापस आए एज इन हल्के में, और डॉक्टर साहब को तो टोटल 3 दफ़ा जी हमारे एक बार जब जलसे के दौरान हमारे पे आया ना तो, और थे भी दूसरे वाले लोग, तो हमने डॉक्टर साहब को कहा आप ना आया करें, फिर डॉक्टर साहब की वाइफ और ये वो, एट द एंड इलेक्शन रिजल्ट शुरू हो गए, वी न्यू दैट वी वर विनिंग हाई टाइम। हम लोग जब आरओ के ऑफिस, हमें पता लगा कि काम खराब हो गया, आरओ के ऑफिस पहुंचे तो लोग हम देख रहे थे कि आर्मी खड़ी है, सारे मामला आ पुलिस उनकी फेवर में है, राणा सनाउल्लाह अगेन यू नो स्टॉलवर्ट कहते हैं कि ये तो नहीं हार सकता। खैर वो इसमें हम लोगों ने इतनी देर में आरओ से अपने कन्फर्म किया, उन्होंने कहा आपके रिजल्ट आ रहे हैं आप वेट करें। That was 7 or 8 PM on 8th of February. हम लोगों को अगले दिन 7 बजे 24 घंटे बाद
पोलिंग बंद होने के 26 घंटे बाद गालबा हमारा रिजल्ट मिला. एंड फॉर दैट टाइम वी वर देयर. आते थे बार बार दूसरे लोग, वो आते थे जो बॉयज हैं, बॉयज आते आके बार बार कहते थे कि उठ के चले जाओ यहाँ से. तो हम लोग कहते नहीं, असल में हमारा वो वकीलों वाला भी थोड़ा सा अंदाज था. खैर आखिरकार मुझे उन्होंने आके एक बात जो फाइनल जो कोर्ट करने शुरू की थी भाई ने, वो ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें आपसे इशू नहीं है, तो ऑल वी आर कंसर्न विद इज राणा सनाउल्ला, सो वी डोंट वॉन्ट हिम टू लूज. एंड इट्स नॉट, अच्छा इट वॉज नॉट ऑन यू नो अ वेरी अपर लेवल, बट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डूइंग इट. तो खैर हमने उन्होंने मुझे कहा जी आप अब चले जाएँ यहाँ से, आपके साथ वकील हैं, आपको मेहरबानी करके ना बाहर निकल जाएँ, आपको रिजल्ट बाहर आके दे देते हैं. बट आपने ना डॉक्टर साहब का नहीं आएगा. आखिरकार मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा जी बात ये है, वो जो भाई साहब थे आप इनको जानते हैं वैसे भी इसको, मैंने कहा यार मैं ना एक उस वालिद का बेटा हूँ, माई फादर कंटेस्टेड इज फर्स्ट इलेक्शन इन 1988. अभी वजारत आला का इलेक्शन रिसेंट उन्होंने मरियम के खिलाफ लड़ा, उसमें ही वॉज द ओनली नॉमिनी प्रॉबली आई हैव सीन, नॉट टू उसकी जो भी जीते हारे हुए एक तरफ. जब वो नॉमिनेट हुए तो हमने कोई ऐसा आर्टिकल नहीं देखा कि ये बंदा तो 20 दफ़ा करप्ट रहा है, इसके तो इतने पर्चे थे, ये था वो था, तो इसको क्यों पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया. खैर करते हुए जी मैंने कहा मैं उस वालिद का बेटा हूँ, तो आपकी मेहरबानी है अगर आपने हमें नहीं ना देना, हमें दोनों को ना दें. कहता नहीं आपको इधर से बाहर जाना पड़ेगा. मैं फिर तुम्हें एक अद्धे मारना भी पैना है, ठीक है ना, तो साढ़े शेर थे. खैर जी एक रेंज सर पे आगे रख दी बंदूक, जब कर दिया वहाँ पे. तो हमें फिर ये था कि अब लास्ट, क्योंकि हम लोग अंदर थे वैस भाई 50-40 बंदे अंदर थे और बाहर भी 4-5 हज़ार बंदा, तो वो एक गेट था जो हमें सेपरेट करता था. खैर हमने वहाँ पे, खैर एक करण साहब आए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टॉक टू हिम, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी देखें आपने अल्लाह को जान दे दिया, इट इज़ नॉट अबाउट द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट अबाउट, एक हल्के गाना को 5 लाख कोई 7 लाख कोई 8 लाख के पास पास आवाम होगी, उस 8 लाख का हक जो है मजरू हो जाएगा, वो भी आपकी जेर नजर, खुदा का वास्ता है, कुछ करें इस तरह नहीं चलेगा. खैर उन्होंने ही बस काइंड एनफ, उन्होंने जाके आरोप कहा कि आपने प्रेशर नहीं लेना, आप मुझे इसका रिजल्ट दे दें वॉट एवर. हमने कहा जी जो भी रिजल्ट है ऑन पेपर हमें दे दें. उन्होंने खैर वो फिर हमें रिजल्ट दिया ओवरऑल माशाल्लाह. फिर सो दिस वॉज हाउ यू नो द जायंट वॉज डिफीटेड. फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारे जो दोनों MPAs हैं, MNA और MPA जो हमारे दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर द मोस्ट वोकल अमंगस्ट द पार्लियामेंटेरियन. गुजरात भी वो ऐसे है कि बेसिकली माई फादर वॉज यू नो हमारे पे अभी मेरे 2 दफ़ा घर पे रेड की गई. मेरी शादी आपको मैंने बताया ना कि सारा सामान उसका चोरी उठकर उठवा दिया, सारा सामान उठवा दिया, जिस तरह व्हाट हैपेंड विद असलम अब्बास डॉटर हमारे साथ किया इन्होंने. फिर उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ इज अ ब्यूरोक्रैट, उनको 2-2.5-3 साल हो गए पोस्टिंग डिनाय कर देते हैं, कोई वो नहीं है इज़ यूनिवर्सिटी. फिर उसके बाद वन ऑफ माय ब्रदर लॉ वाज यू नो इन द आर्मी, तो वो उनको ही वाज फोर्सिबली यू नो रिटायर्ड. तो इस तरह के मामला चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि माय फादर टोल्ड मी वन थिंग ऑन 9th May 11th May की बात होगी, हम लोग जब यहाँ से निकले उन्हें कहा था पुत्र यह गल है कि मैं खान को छड़ना कोई नहीं, तो जे तू मैनू छड़ना है ना तो तू छड़ ले, जे तू फटिया गया ना तो मैं तेरे खातर भी नहीं छड़ना, बर्दाश्त आप करनी है. अच्छा, तो उसके हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग रन है. फिर अभी अभी द रीजन आई एम हेयर राइट नाउ एंड राणा साहब इज नॉट हेयर इज दैट ही इज स्टिल ऑन द ECL. तो बेसिकली आप अपनी मजबूरी के लिए भाग रहे थे. नहीं हाँ, नहीं वो मैं तो अब लेजर ट्रिप हो गया उनका. उनने उनकी मेरी फुप्पो रहती है यहाँ पे, उनकी अमशीरा मेरे वाले साहब की एक बहन है, उन्होंने उनको देखने आना था एक काम, उनको ECL पर डाला, उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया तो पासपोर्ट भी ब्लॉक हो गया. अब ECL भी है तो उन्होंने कहा यार मैं मेरा जान की ख्वाहिश ही नहीं है मैं इतनी ठीक. तो ये जगह डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब.